I'm Dr. Sanjeev Bisla from Dayal Hospital, Gurgaon. Approximately there are 39 million people according to WHO estimates who are blind in the world. So out of 39 million, 18 million people live in India only. And fortunately most of the causes of blindness are curable. Approximately 80% we can cure with various methods depending upon the reason of blindness. Cataract in India is a major cause of blindness, accounting for approximately 50 to 70% cases of blindness. So cataract has got a sea change in recent years. Pehle kisi ko cataract hota tha to patient wait karta tha ki jab pak jayega tab banayenge ya mausam acha hoga tab banwayenge. Aajkal farak nahi padta hai. Aajkal jab patient ko dikhne mein dikkat ho kabhi bhi कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट प्लान कर सकता है, क्योंकि कैटरेक्ट के लिए अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है ऑपरेट करने के लिए. फेको से हम ऑपरेट कर सकते हैं. साइज ऑफ इंसिजन मिनिमम है, अराउंड 2 mm इंसिजन के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं. लेंसेज भी बहुत रेंजेस हैं लेंस की, जिसमें पेशेंट को डिस्टेंस का अच्छा दिखाई दे, डिस्टेंस और नियर दोनों का अच्छा दिखाई दे, या फॉर दैट मैटर आजकल ट्राईफोकल लेंसेज भी आ रहे हैं जिसमें पेशेंट को दूर का, नज़दीक का और सिस्टम पे काम करने के लिए इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी साफ दिखाई देगा. सो फॉर दोज रीजंस वी टेल पेशेंट्स कि जब आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ विजन इफेक्ट हो, चाहे विजन बेशक 6x6 हो, आप कैटरेक्ट सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं. अब आते हैं जो दूसरा कॉमन कॉज है, जो कि साइलेंट थीफ ऑफ विजन है, ग्लूकोमा. तो अनफॉर्चुनेटली ग्लूकोमा इज अ डिजीज विच इज वेरी पुअरली अंडरस्टूड एंड वेरी पुअरली रिकग्नाइज्ड इन पॉपुलेशन. अब आप देखिए अराउंड 10% लोगों को ही मालूम होता है कि उन लोगों को ग्लूकोमा है. तो 90% लोग ग्लूकोमा के पॉपुलेशन में ऐसे ही घूम रहे होते हैं जिनको कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जो ग्लूकोमा डायग्नोज कभी होते ही नहीं. सो फॉर दैट रीजन ग्लूकोमा ऐसे बोलते हैं कि पेशेंट आता है 40 इयर्स के बाद, हम बोलते हैं कि आपको ग्लूकोमा है. यूजुअली पेशेंट रिएक्ट्स कि डॉक्टर साहब मुझे तो फर्स्ट क्लास दिखता है, मुझे ग्लूकोमा कैसे हो सकता है. तो ग्लूकोमा इज अ डिजीज जो जिसमें हमारी ऑप्टिक नाव, हमारी नस जिससे हम देखते हैं, टिपिकल पैटर्न में इफेक्ट होना शुरू हो जाती है. फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ग्लूकोमा है. तो जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पेशेंट का प्रेशर कई बार ज़्यादा मिलता है, जो पेशेंट का विजुअल फील्ड है वो भी सिकुड़ा हुआ मिलता है, टिपिकल पैटर्न में डैमेज्ड मिलता है, कम मिलता है. उस पेशेंट के ऊपर हम फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद लेबल कर देते हैं कि आपको प्राइमरी ओपन एंडेड ग्लूकोमा है या किस टाइप का ग्लूकोमा है, किस वजह से ग्लूकोमा है. यूजुअली पेशेंट आर अबव द एज ऑफ 40 इयर्स. कई बार पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होते हैं, डायबिटिक भी होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है ग्लूकोमा की, या फॉर दैट मैटर मायोपिक भी कई बार मिलते हैं, मतलब माइनस का नंबर उनका दूर के लिए रहता है. तो अब ग्लूकोमा इज अ डिजीज विच इज़ वेरी पुअरली अंडरस्टूड एज आई एक्सप्लेन अर्लियर. तो इट हैज़ टू बी डायग्नोज्ड अर्ली एंड स्टार्टेड ट्रीटमेंट अर्ली, क्योंकि जो डैमेज ग्लूकोमा में पेशेंट का विजन का हो जाएगा उसको हम किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी मेडिसिन से या सर्जरी से वापस नहीं ला सकते. सो वंस द विजन बिकॉज ऑफ ग्लूकोमा इज लॉस्ट फॉर एवर. सो द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू डायग्नोज अर्ली एंड स्टार्ट ट्रीटिंग अर्ली, so that we don't lose the precious vision. So once the patient is a non-case of glaucoma, we start patient with various medications. Aim of treatment is to reach the target pressure of that particular patient. Target pressure matlab, it depends upon the type of or the stage of glaucoma that the patient is in. Suppose the patient has got advanced glaucoma, so maybe the target pressure would be to reduce the pressure of eye approximately 40-50%. So it depends upon the stage of glaucoma. That decides the percentage reduction of IOP. So it's very important for everybody above 40 to consider screening of glaucoma, especially when somebody has got a history of glaucoma, somebody is diabetic or hypertensive or got high minus power. So now we move on to the next cause of blindness in India. Probably retinal disease or refractive errors are one of the major causes of blindness other than cataract and glaucoma in India. So if somebody has got a minus power or
plus power for that matter, for distance. So one is virtually blind without glasses in some cases. So those cases can consider of getting rid of glasses these days with LASIK procedure. LASIK में हम क्या करते हैं कि जो हमारी कॉर्निया है उसको reshape करते हैं इस तरीके से कि patient को चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़े. तो अगर पेशेंट मायोप है, मतलब माइनस पावर यूज़ करता है, तो उसको हम फ्लैट कर देते हैं कॉर्निया को. अगर पेशेंट हाइपरमेट्रोप है, प्लस पावर यूज़ करता है डिस्टेंस और नियर के लिए, तो फिर कॉर्निया को पेरिफ्री से फ्लैट करके सेंट्रल पार्ट को स्टीप कर देते हैं. तो इसको लेसिक बोलते हैं. अब लेसिक भी कई तरीके से करते हैं. नॉर्मल लेसिक कर सकते हैं जिसमें खाली फ्लैटनिंग होगी, या कस्टमाइज लेसिक कर सकते हैं जिसमें कि पेशेंट को कस्टमाइज ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं. आजकल फेमटो लेसिक भी करते हैं जिसमें फ्लैप जो है माइक्रोकेरेटम या ब्लेड से उठाने की बजाय लेज़र से ही फ्लैप बनाया जाता है. या आजकल और लेटेस्ट जो तरीका, सबसे लेटेस्ट तरीका वर्ल्ड ओवर है, वो स्माइल टेक्निक. इसमें कि स्मॉल लेंटिकुलर एक्सीजन करते हैं, मतलब विद अ स्मॉल इंसीजन अराउंड 2 to 3 mm हम दो प्लेन्स में लेंटिक्यूल डिज़ाइन करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पावर ऑफ दैट पेशेंट. उसको फिर हम उस इंसिजन से निकाल देते हैं, तो उससे पेशेंट का पावर न्यूट्रलाइज हो. दिस इज द लेटेस्ट वे. लेकिन इसमें ये है कि पेशेंट का पावर स्टेबल होने में, विजन स्टेबल होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 months लगते हैं. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस टेक्निक. अदरवाइज स्माइल इज अ वेरी गुड टेक्निक. रेटिनोपैथी एंड ARND व्हिच आर द रीटेक. फिर से वो डील हो रहा है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट कॉमन कॉज दैट इज लेफ्ट फॉर डिक्रीज ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी. डायबिटिक पेशेंट्स में हमारी रेटना के ऊपर, क्योंकि ब्लड वेसल्स की पोरोसिटी बढ़ जाती है, लीकेज ज़्यादा होती है, तो खून और पानी का रिसाव पर्दे पे अक्सर इकट्ठा हो जाता है. अगर उसको हम टाइमली डिटेक्ट कर लें तो हम उसके जो फर्दर डैमेज रेटना में उसकी वजह से होता है उससे बच सकते हैं. सो द की इज़ टू गेट वन सेल्फ एग्जामिन्ड. एवरी डायबिटिक पेशेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड एनुअली. और पेशेंट यूजली सोचते हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर अच्छे से मेंटेन्ड है, 100 के करीब रहता है, फिर मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे हो सकती है? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज रिलेटेड विद क्रोनिसिटी ऑफ द डिजीज. मतलब पेशेंट को कितने साल से डायबिटिक है, पेशेंट कितने साल से डायबिटिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कि ब्लड शुगर लेवल कितना है. ऑब्वियसली अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी आएगी. अगर पेशेंट ने अच्छे से शुगर लेवल मेंटेन किया हुआ है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी लेट आए. तो हर एक डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार अपने आप को ज़रूर एग्जामिन करवाना चाहिए फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी. बोल के स्पेशली कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है 15 साल से 20 साल से, एक बार देखिएगा मेरे पर्दे पे शुगर का असर तो नहीं आ गया, इस तरीके से बोलते. सो द नेक्स्ट कॉज फॉर ब्लाइंडनेस वर्ल्ड ओवर इज ARND. इनफैक्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज अ वेरी कॉमन कॉज. इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज. तो ARMD इज एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन. जो हमारे पर्दे पे देखने वाला बिंदु, जिसे हमारा सेंट्रल विजन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम मैकुला बोलते हैं. तो इन सम पेशेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स डिजनरेटेड फॉर सम रीजन. तो अगर हम उसको डिजनरेशन को अर्ली डिटेक्ट कर लें और फॉर विद वेरियस मेथड्स उसको हम ट्रीट कर लें, तो हम उसकी फर्दर वर्सनिंग या डिटरेशन ऑफ विजन से बच सकते हैं. तो 60 ईयर्स के बाद पेशेंट को एक बार ज़रूर डॉक्टर को बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ ARMD या कुछ पर्दे में मेरे दिक्कत तो नहीं है एज रिलेटेड. सो दैट वुड डू इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स. किड्स को, बच्चों को जिनको चश्मे का पावर है, स्पेशली माइनस पावर है, तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रीन यूसेज कम हो. जितना छोटा फॉन्ट होगा, जितनी छोटी स्क्रीन होगी, उतना ही चांस है कि माइनस का पावर एज के साथ जल्दी फ्रिक्वेंटली बढ़ता रहेगा. अगर किसी को कैटरैक्ट है, पेशेंट को मालूम पड़ता है कि मुझे रात में लाइट फैल जाती है या क्लाउडी मेरा विजन हो गया है, तो उनको जल्दी कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट, अपना सर्जरी करवाना चाहिए. सो करवाना तो है आज, नहीं तो कल, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, जल्दी करवाना चाहिए. अगर कोई पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, उनको बोल के डॉक्टर से एक बार 40 ईयर्स के बाद स्क्रीनिंग करवाना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे ग्लोकोमा तो नहीं है. तो अगर कोई पेशेंट 60 ईयर्स के वो है, उनको खुद से बोल के कि डॉक्टर साहब मुझे कोई मैकुला पे, पर्दे पे, देखने वाले बिंदु पे कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं है एज रिलेटेड, तो उनको भी अपना साल में एक बार बेटर है कि चेक करवाना चाहिए. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियर.